आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी मैगी मसालेदार। एकदम नए तरीके से आज हम मैगी को बनाने वाले हैं। बहुत ही डिलीशियस लगती है ये मैगी, और यदि आपको स्पाइसी पसंद है या कभी कभी स्पाइसी खाने का मन करता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और बिना स्पाइस के, मतलब कि बिना मिर्च के भी बना के ट्राई कर सकते हैं। ये सभी को पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा है, और इसमें 2 कप जितना पानी मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं 2 पैकेट मैगी के बना रही हूँ। इसीलिए आप एक बनाएं तो 1 ग्लास या 1 कप के बराबर पानी डाल लें। जब पानी में अच्छा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें मैगी डाल देंगे। तो मसाला मैंने निकाल लिया है और 2 पैकेट मैगी के यहाँ पर डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सिर्फ मैगी को हमें कुक करना है। यहाँ पर पूरी तरीके से भी नहीं करना, हल्का सा कच्चा भी रह जाएगा तो चल जाएगा। 2 मिनट में मैगी आराम से कुक हो जाती है। तो यहाँ पे 1 मिनट बाद मैंने इस तरीके से इसे पलट लिया है, मतलब कि साइड चेंज कर दिया इसका, ताकि ये दूसरे साइड से भी चेंज हो जाए। और सिर्फ 2 मिनट लगी है, यहाँ पे हमारी मैगी जो है एकदम परफेक्टली कुक हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। आप एक बार हाथ से भी चेक कर सकते हैं, यदि थोड़ा बहुत कच्चापन है तो भी चलेगा। अब हम इस तरीके की छन्नी में जो है इस मैगी को छान करके साइड में रख देंगे। सेम पैन मैंने साफ करके ले लिया है, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जितना तेल। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिससे कि इस तरीके से छोटा बड़ा सब पीसेस में कट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। प्याज को हमें सिर्फ 30 से 40 सेकंड चलाना है मीडियम फ्लेम पर। इस तरीके से प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे थोड़े से, साथ ही में 1 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन कट करके मैंने डाल दिए। आप इनमें से जो भी चीज़ नहीं खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं मैगी में, आप उसे स्किप कर सकते हैं। इनको डालने के बाद मैंने 30 से 40 सेकंड इसे चला लिया है बस। यहाँ पे जैसे ही लहसुन का, हरी मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है मैंने, जिसे कि इस तरीके से स्लाइसिस में कट करके डाल दिया है। तो शिमला मिर्च को हमें 1 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसमें डाल देंगे पीनट। यदि आपको कॉर्न पसंद है या फिर मटर के दाने पसंद है तो आप वो डालें, मुझे पीनट पसंद है तो मैंने पीनट यहाँ पे डाली है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है, क्रंचीनेस सा, स्किप भी कर सकते हैं आप, और यदि डालने का मन है तो डाल भी सकते हैं। 1 मिनट इन्हें मैंने फिर से चला लिया है। अब हम यहाँ पे पनीर के क्यूब डाल देंगे। तो लगभग 40-50 ग्राम के बराबर पनीर है, जैसे कि इस तरीके से क्यूब्स में कट करके मैंने डाल दिया है। यदि आपके पास है तो ज़रूर डालें। इसे भी मिक्स कर लेंगे, और पनीर के साथ ही हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाने वाले हैं तो सब्जियाँ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए और थोड़े से मसाले भी होने चाहिए। इसे भी मिक्स कर लेंगे और आधे से 1 मिनट तक इसे भी चला लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करने के साथ ही हम यहाँ पे हल्दी डाल देते हैं। 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल दिया है मैंने। नमक कम ही डालें, क्योंकि मैगी के मसाले में नमक होता है, नहीं तो हमारी मैगी बाद में जो है बहुत ही खारी खारी, मतलब कि सॉल्टी लगेगी। 1 मिनट तक सबको मैंने अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे चला लिया है। अब हम डाल लेते हैं इसमें टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ का टमाटर स्लाइस में कट करके यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में। तो टमाटर को फैलाते हुए सिर्फ 1 मिनट तक हमें पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। सब्जियाँ थोड़ी कच्ची भी रहेंगी तो मैगी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगी। तो 1 मिनट टमाटर को पकाते हुए भी हो गया है, पनीर भी हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैगी का मसाला डालना है हमें, तो 2 पैकेट मैगी के मसाले के मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। गैस का फ्लेम लो करके अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यदि आपको ये मसाले ड्राई ड्राई लग रहे हैं सब्जियां, तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो सब्जी का, पनीर का जो क्रंचीनेस है वो खत्म हो जाएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखा है और 10 से 20 सेकंड सिर्फ मसाले को चलाया, ज्यादा देर नहीं। अब हम यहाँ पे मैगी डाल देंगे। तो मैगी में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लिया है, जिससे कि मैगी इस तरीके से खिली खिली हो गई है।
तो मैगी को पूरी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन्हें मिक्स करने वाले हैं, तो चम्मच से मिक्स करेंगे तो मैगी जो है वो टूट फूट जाएगी, इसीलिए इस तरीके से 2 चम्मच की हेल्प से मैगी को टॉस करते हुए मिक्स कर लें। यदि आप पैन को या कढ़ाई को टॉस करके मिक्स करना चाहते हैं तो वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे इन्हें मिक्स कर लिया है, मैगी भी हमारी अच्छी गर्म हो गई है, तो एकदम परफेक्टली हमारी स्पाइसी मैगी जो है मसालेदार वाली बन करके रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं आप सर्व। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग कर ली है, ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ता बहुत ही बढ़िया फ्रेशनेस और टेस्ट के लिए, धनिया पत्ता भी डाल दिया है। तो चलिए बन करके ये रेडी हो गई है, अब आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर। थैंक यू।